नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील और आप देख रहे हैं इंडियन लेटेस्ट ट्रिक्स। दोस्तों अगर आपको भी लेना है पूरे 25,000 तक इंस्टेंट पर्सनल लोन, जी दोस्तों अगर आपको कहीं से पैसे मिल नहीं पा रहे हैं, पैसे की जरूरत है और आप चाहते हो दोस्तों कहीं से पर्सनल लोन लेना ऑनलाइन घर बैठे अपने फोन की मदद से, तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया वेबसाइट और अप्लीकेशन लेके आया हूँ जिससे आप 100% दोस्तों तुरंत आप पर्सनल लोन ले सकते हो पूरे 25,000 तक। जी दोस्तों बिना सैलरी स्लिप के आप दोस्तों काम कुछ भी करते हो, कहीं भी आप रहते हो पूरे भारत में, कहीं भी रहते हो आप दोस्तों इस लोन को ले सकते हो पूरे 25,000 तक सिर्फ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड पे। चलिए इस वीडियो में बात करें दोस्तों कौन सा एप्लीकेशन है, कौन सा साइट है और दोस्तों कैसे आपको अप्लाई करना है, कितना ब्याज लगेगा, कितने दिन के लिए मिलेगा, इसमें पूरी आपको जानकारी बताऊंगा ताकि दोस्तों आप अच्छे से अप्लाई कर पाओ और दोस्तों तुरंत आप इंस्टेंट लोन ले पाओ और अपना काम यहाँ पे पूरा कर पाओ। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कौन सा एप्लीकेशन है, सारा जानकारी इसमें देता हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लेके आता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दोस्तों ये बेल घंटा दिख रहा है इसे भी दबा दीजिएगा कि दोस्तों आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे और एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। जी दोस्तों हम आ चुके हैं इसके वेबसाइट पे, इसका वेबसाइट का लिंक नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इस पर आप आ सकते हैं और सीधे आने के बाद दोस्तों सीधे आप दोस्तों यहीं पे आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, आधार कार्ड से लोन 25,000 तक ले सकते हो, देखते हैं ये दोस्तों। इससे आप 100% सिर्फ 5 मिनट में लोन आप ले सकते हो। इसके लिए आपको कोई सैलरी स्लिप नहीं देना है, आप दोस्तों कुछ भी वर्क करते हो, पूरे भारत में रहते हो, पूरे भारत में मिल सकता है ये लोन, कहीं भी मिल सकता है पूरे भारत में बिना सैलरी स्लिप के लोन ले सकते हो 25,000 तक। अगर आपको दोस्तों इमरजेंसी है पैसे की दोस्तों ये वेबसाइट आपकी पूरी हेल्प करेगा और आप पूरी आपको मदद करेगा, तुरंत आप लोन ले सकते हो सिर्फ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड पे। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं ब्याज कितना है और दोस्तों क्या क्या सिविल स्कोर कितना होना चाहिए आधार कार्ड लोन लेने के लिए, और वो भी सब पूरी जानकारी आपको बताता हूँ ब्याज कितना होना चाहिए और कैसे आपको अप्लाई करना है। दोस्तों बता दूँ कि यहाँ पे इस लोन को आप ऑनलाइन ले सकते हो अपने फोन की मदद से या फिर फोन से या फिर लैपटॉप से आप इससे अप्लाई कर सकते हो, तो फोन से ही बड़े आसानी से इस पर अप्लाई कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन भी है, इसका साइट भी है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपके पास दोस्तों क्या चीज़ देखना जरूरी है, आपका सिविल स्कोर। जैसे दोस्तों आधार कार्ड से कहीं भी से भी आप लोन लेते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। अगर आपको सिविल स्कोर जानना है तो नीचे एक एप्लीकेशन दिया हूँ, उससे आप बिल्कुल फ्री में चेक कर सकते हो सिविल स्कोर, ठीक है। दोस्तों आपका मैक्सिमम आपका सिविल स्कोर होना चाहिए 680, आपका सिविल स्कोर इससे कम है दोस्तों कहीं से भी लोन लेते आधार कार्ड से दोस्तों इससे कम है 680 से, तो आप दोस्तों लोन कहीं से नहीं ले पाओगे। तो पहले एक बार चेक कर लीजिए आपका सिविल स्कोर कितना है, 600 से ऊपर है तो आप लोन को ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण बात दोस्तों एक बात और कि जैसे कि आपका उम्र कितना होना चाहिए, उम्र बहुत महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि दोस्तों जब तक आपका पिन कार्ड नहीं बनेगा आपको लोन नहीं मिल सकता। यहाँ पे 21 साल, जैसे कि आपका जो भारत सरकार से यहाँ पे रूल है कि आपको उम्र होना चाहिए 21 साल, तब तक आपका पैन कार्ड बनेगा, उससे पहले आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। तो आपका दोस्तों जब पैन कार्ड बन जाए, 21 साल उम्र हो जाए, पैन कार्ड बन जाए आपके पास, तो आप दोस्तों लोन को इस लोन को ले सकते हो, बिना पैन कार्ड का लोन नहीं ले सकते हो। दोस्तों इस लोन को पूरे 25,000 तक लोन को ले सकते हो क्योंकि दोस्तों ये साइड है अभी छोटा लोन प्रोवाइड कर रहा है, इससे अगर आप इसको टाइम से पे करते हैं तो आगे चल के बड़ा भी लोन दे सकता है आपको। फिलहाल दोस्तों ये आपको छोटा लोन दे रहा है, यहाँ पे 25,000 तक लोन आपको दे रहा है 5 मिनट के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स में ध्यान क्या क्या चाहिए। यहाँ पे आपको पहले आपको इसका साइट पर जाने के बाद आपको लॉगिन करना है, आपको अपने ईमेल एड्रेस से मोबाइल नंबर से इस पर लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बता दूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स तो आपका 2 ही है, आधार कार्ड पैन कार्ड सिर्फ बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आपके पास होना चाहिए नेट बैंकिंग, अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो दोस्तों इस पर आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, पहले आपको बता दूँ। तो आपके पास होना चाहिए मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर तो हर किसी पास होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपका जी मेल अकाउंट होना चाहिए, जैसे कि जी मेल अकाउंट है तो जी मेल अकाउंट भी यहाँ पर डालना पड़ता है क्योंकि आपको साइन अप करना पड़ता है। तो दोस्तों ये 4 चीज़ है, तो हम दोस्तों यहाँ पे लोन लेने के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई हम कर सकते हैं, 25,000 तक लोन हम ले सकते हैं। अब दोस्तों बता दूँ कि जैसे इसके साइड पर आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से दोस्तों आप इसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसके दूसरे साइड पर चले जाएंगे जहाँ पे हमें अप्लाई करना है, वहाँ से हम चले जाएंगे इस पर। तो यहाँ पर देखते हैं हम आ चुके हैं इसके साइड पर। अब तो यहाँ पर फुल प्रोसेसिंग यहाँ पर दिखा हुआ है कि आपको लोन यहाँ कितना मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों ले सकते हो पूरे 1 दिन से लेके यहाँ पर लोन को ले सकते हो, यहाँ पर पूरे 30 दिन तक लोन को ले सकते हो। यहाँ पे देखते हैं 5,000 से लेके 25,000 तक लोन को आप ले सकते हो, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सब यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ब्याज आपको कितना देना पड़ेगा, ये सब दिया हुआ है क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा ब्याज थोड़ा ज़्यादा है, प्रोसेसिंग फीस लग जाता है। इमरजेंसी के लिए बनाया गया है, जैसे कि आपको इमरजेंसी में लोन चाहिए इसके लिए बनाया गया है। आप तो 7 से 10-30 दिन के लिए लोन को ले सकते हो, इससे ज़्यादा लोन नहीं ले सकते हो अभी इस पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम अमाउंट और ज़्यादा दिन के लिए लोन इस पर नहीं मिल रहा है, इमरजेंसी के लिए यहाँ पर लोन आपको मिल रहा है।
उसके बाद उसे यहाँ पे ब्याज वगैरह सब यहाँ पे दिया हुआ है, ब्याज कितना अमाउंट लगेगा सब यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। यहाँ से दोस्तों आप आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, फाइनल स्टेप है। आपको यहाँ से आपको सारा फॉर्म फिल करना है, पहले अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पे लॉगिन, मोबाइल नंबर अपने जीमेल एड्रेस से लॉगिन करना है, वेरीफाई करना मोबाइल नंबर और अपना जीमेल एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है, आधार कार्ड पैन कार्ड आपको अपलोड करना है और नेट बैंकिंग यहाँ पे एक्सेस करना है। नेट बैंकिंग क्या होता है दोस्तों, वो देखता है कि हाँ भाई आप पैसे के लेन देन कर रहे हो अपने बैंक में, कि आपके पैसे कहाँ से कटेंगे, ऑटोमेटिक आपके बैंक से पैसे कटेंगे। इसके लिए दोस्तों ये नेट बैंकिंग ले रहा है। दोस्तों अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो बिल्कुल सुरक्षित, क्योंकि दोस्तों ये है दोस्तों सरकार की नज़र में है ये एप्लीकेशन, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सो लोन ले सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी, सिर्फ आपको देना है देख सकते हैं यहाँ पे, और भी आप दोस्तों आएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, सिर्फ आपको देना है आधार कार्ड पैन कार्ड डॉक्यूमेंट्स, आपको ध्यान रखिए आपको बिल्कुल साफ सुथरा यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है, पैन कार्ड बिल्कुल साफ सुथरा, और नेट बैंकिंग यूज करना है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। दोस्तों आप इस तरह दोस्तों इस पर अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे साइड बहुत बढ़िया इसका है, तो दोस्तों आइए इस पर अप्लाई कीजिए, बहुत ही बढ़िया साइड है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि दोस्तों मुझे सपोर्ट मिले कि आपके लिए इस वीडियो लेके आता रहूँ। आज के लिए इतना ही, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।